यस अस्सलाम वालेकुम, हम आप जा रहे हैं मॉर्निंग में नाश्ता करने के लिए। ये बाबा है हुसैन के, ये हुसैन है रेड शर्ट में, और ये बाबा और ये हुसैन की मम्मा है, ये मम्मा है हुसैन की। हम कार्स में जा रहे हैं, आज ब्लॉग बना रहे हुसैन है ना। अच्छा ये ऐसे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं हुसैन? हाँ अच्छा माऊ भी दिख गई भाई अब। और बताओ ये दिखी क्या दिखी? बाबा इस पी, अच्छा बाबा बेल्ट नहीं बांधा बाबा ने। बाबा ये इतने पिद्दे से हैं, लेकिन इन्हें पता शबे पिद्दू को, छोटे से मुन्नू को। ये हाँ ये बाबा का है। और ऐसे ही किसी नाश्ते की तलाश में हम भी जा रहे हैं। के बाद स्कूल जा रहे हैं। हाँ 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 बेटा हाँ, ये नहीं खोल रहे, ये नहीं खोल रहे, बाबा मना कर रहे हैं विंडो खोलने को। तो जी ये वो जगह है जहाँ मिलती है हलवा पूरी, छोले और सुबह का नाश्ता जो भी होता है आपको खाना है, और बड़े ही मज़े की होती है। तो बस ये जो है ना अभी उतर के लेने गए हैं हलवा पूरी, और पप्पा सो रहे थे, वरना हमने सोचा था कि पप्पा के लिए भी छोले ले लें। फिर मैंने कहा कि चलो पप्पा को नाश्ता बना देंगे तो पप्पा वो खा लेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना उठे हुए होते हैं तो वो सही रहता है, गरम गरम अच्छे लगते हैं। अच्छा जी ये कार को छोड़ के चले गए कि लॉक कर लो अंदर से, सेफ्टी ज़रूरी है। मैं इसको जब भी बोलूंगी ना श, 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 तो खुद भी करने लग जाएगा। हुसैन कैसे? हेलो हेलो, बस कैमरा खोलता है और हुसैन को ये पता है कि हेलो करना है ऐसे करके। हुसैन क्या करना है? हुसैन सिट डाउन, हुसैन मारेंगे बाबा, गुच्छा हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अरे भैया मामा नो आइस का है आपकी, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ आइस का है। वेरी गुड। और नोज, नोज वेरी गुड। और माउथ, चिक्स का है, चिक्स वेरी गुड। और हेयर्स वेरी गुड, क्लैपिंग करो जल्दी से, वेरी गुड। मेरा शहजादा ये सब आ गया। हैंड्स बाइंड करो, हैंड्स बाइंड कैसे करते हैं? अरे भैया उसको छोड़ दो लाइट को, अब जल्दी से बताओ हैंड्स कैसे बाइंड करते हैं। हुई हुई उस पर नहीं जाओ, ड्राइविंग सीट में मना करते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठने को बच्चों को। नो 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 हुसैन नो। बाबा अच्छा आज ना हम काफी टाइम बाद जो है ना नाश्ते के लिए बाहर निकले हैं, और नाश्ता वैसे हमने सोचा था कि हम बाहर ही बैठ के करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सीन बना ही नहीं जहाँ हमने सोचा था। हाँ उन्होंने जो है ना डाइनिंग का खत्म कर दिया है ना, अब वहीं से सिर्फ टेक अवे, तो बस फिर हम लोग लेकर आ गए और अब हम घर जा रहे ताकि घर पे बैठ के खाना खाएं। आप क्या कहेंगे? अभी सूरज जो है ना बिल्कुल मुंह पे पड़ रहा है, ऐसी सूरज की किरणें हमारे मुंह पे पड़ रही हैं। ये भी खुश नसीबी है, वाकई ये भी खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे हैदराबाद में इतना अच्छा वेदर हो रहा है। नहीं क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है कुदरती लिहाज से, लेकिन अब जैसे हम निकले हैं ये नाश्ता करने के लिए, नाश्ता थोड़ी करना, नाश्ता तो वो होता है कि आप पूरी रात सो, सुबह उठो फिर नाश्ता करो, ये साले सोने नहीं देते लाइट वाले। बहुत तंग किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत तंग किया हुआ है, चक्कर में जो है अब जागते हो, इनकी मर्जी से उठो, इनकी मर्जी से सो, इनकी मर्जी से काम करो, इनकी मर्जी से जो है कुछ करो, तो बेचारा अफोर्ड कर सकता है उसने लगाया हुआ है अपनी हैसियत के हिसाब से, किसी ने यूपीएस, किसी ने जनरेटर 12 वोल्ट की बैटरी इसके पास नहीं है,
अभी भी ऐसे लोग बेचारे जो इस चीज के बगैर रह रहे हैं, तब तक जो अजीब मजाक चल रहा है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह खैर करेगा। ये एक रूटीन इंसान की जो ना डिस्टर्ब हो जाती है हर चीज, फ्रस्ट्रेशन जो है दिमागों पे रहती है इसी चीज की वजह से, और 10 काम अटकते हैं। अगर मैं कहता हूँ 24 घंटे लाइट आए तो लोग जो है बिजली भी कम इस्तेमाल करेंगे और जो है किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और काम भी टाइम पे होंगे। काम भी टाइम पे होगा। अब एकदम लाइट आती है ना तो हर बंदा अपनी मोटर चलाता है, अपनी मशीनें चलाता है, अपनी एसी चलाता है, जो भी उसकी एक्सेसरीज है उसको ऑन करता है, तो ज़ाहिर है एकदम लोड पड़ता है। लेकिन एक चीज़ अगर 24 घंटे आ रही होगी तो जो है कौन ये इतना लोड करेगा, हर बंदा जो है तरीके से इस्तेमाल करेगा और बिल फिर इतने हैं कि मतलब ये वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे टॉर्चर होने के आपको उल्टा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हम तो बिल भरते हैं सीधी बात है, तो समझ में नहीं आता कि बिल हम किस बात का दे रहे हैं। और परेशानी हमें जो बिल भर रहा है वही परेशान है, जो डायरेक्ट चला रहा है, जो कुंडे पे चला रहा है, जो सेटिंग पे चल रहा है, उसे ना कोई पूछता है, ना उसके पास कोई आता है, और ना उसे कोई परेशान करता है, ना उससे कोई हिसाब किताब करता है। हमें हिसाब किताब भी देने पड़ते हैं, हमें जो है चोरी वाले लोगों का डिडक्शन भी पे करना पड़ता है, हमें लोगों को मूवी देना पड़ता है, हमें इसके पास उसके पास भी जाना पड़ता है। अच्छा अभी ना एक बाहर स्कूल के बाहर ना एक लाइन लिखी हुई थी जो कि हम सब ने ही सुनी है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। लेकिन आजकल तो हिसाब ही उल्टा है, जो बेअदब है ना बस उन्हीं की बाबा हुई भी आजकल, क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। बानसीब जो कह रही है सब जो लिखी हुई बात, ये किसी टाइम पे चलती थी लेकिन अभी 2023 चल रहा है और ये बिल्कुल आज के हिसाब से बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि आज के दौर में जो जितना इंसान बदतमीज है, जितना जाहिल है और जितना एरोगेंट है ना सामने वाला, उससे उलझता ही नहीं है। और जो बंदा सबर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तमीज में रह रहा है ना, तो उसी को ही सब दबाते रहते हैं। पहले होता था कहते थे कि एक पहले के दौर की कहावत सुना दूं, अभी के दौर की नहीं पहले के दौर की, कि सबर का फल, सबर करो सबर का फल मीठा होता है। पर अब मैं कहूंगा कि भाई सबर का फल भी ज्यादा देर तक रखा रहेगा तो सड़ जाएगा, उसको आप फ्रिज में डाल दो। तो अभी जो है ना सारे मामले उल्टे चल रहे हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था वापडा वाला ये मसला, ये तो छोटा सा मसला है, मतलब हमारा सोसाइटी ऐसी बन गई है कि जो बंदा सीधे तरीके से चल रहा है ना वो परेशान है, और जो उल्टे तरीके से चल रहा है वो टेढ़ा बन के चल रहा है, तो वो कामयाब भी है, उसे ना वो तंग कर रहा है ना वो परेशान कर रहा है। तो यही है, अगर रहना है इस मुल्क में इस सोसाइटी के अंदर तो टेढ़ा बन के रहना पड़ेगा, और सीधे बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आपकी जेब में पैसे होने चाहिए बस, आप कोई भी हो, नहीं ऐसा नहीं है। आजकल भी अच्छे लोग मौजूद हैं, जाहिर है जब तो दुनिया कायम है होने की वजह से बची हुई, लेकिन अच्छे लोग हैं कितने कम, लेकिन है तो ऐसा नहीं है। हमें वो इतने होंगे वो जो टीवी में एड नहीं दिखाते लाइफ बॉय डेटोल का, कि 99% जब मर जाएंगे 1% जो रह जाता, तो 1% वो अच्छे लोग रह गए होंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आज भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। जी बेटा, अच्छा बेटा, अच्छे लोग अगर हैं तो कमेंट करके बताएं कि वो अच्छे लोग हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूँ भाई। अच्छा बेटा, अच्छा 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 अच्छा, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरी जिंदगी चक्करों में लग गई है अच्छे लोगों को ढूंढने के चक्कर में, तो अच्छे लोग मिलने से नहीं मिल रहे। ये इंसान का खुद का भी अच्छा होना जरूरी है। आप ढूंढने नहीं, मैं आपके साथ बराबर में बैठी हुई हूँ, मैं देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ। लेकिन इंसान का खुद का भी अच्छा होना जरूरी है, क्या पता हमने कोई ना कोई सिखाई हो। जी बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा 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 जी। तो जी अब हम घर पहुँच के फिर बातें करते हैं आप लोगों से, खाना खाते में। मैं खाना खाते टाइम मतलब बात करते हैं। तो जी हम लोगों ने किया मिलकर मज़ेदार सा नाश्ता। हसन जो है वो अभी स्कूल में ही है क्योंकि वो पहले ही सुबह जा चुका था, और उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए निकले थे। अभी मैं भिंडियाँ यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ ताकि दोपहर के खाने में मैं भिंडियाँ बना लूँ कटी हुई, और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और माशाल्लाह नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। चर्रे वाली गन है वो, चर्रे वाली गन रख के लेके जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। चर्रे वाली गन, गैंगस्टर लग रहे हो पता है। हुसैन की गन है वो, रख दें आप। ये लैपटॉप का बैग आपने कहाँ से निकाला है, इतना मट्टी में हो रहा है। हाँ बहुत मट्टी में हो रहा है।
हिसाब भी कर लेते हैं। कहाँ चढ़े हुए हैं? पंखा चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यार वो क्या मिलता है ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह कामयाब करे। टाटा बाय बाय, आ जाइएगा खाना खाने। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, तो ये जा चुके हैं और अब जो है ना, मैंने किचन की तरफ आ गई थी क्योंकि मैंने बनानी थी भिंडियाँ, भिंडियाँ कट गई थी और ये तो यूँ झटपट में बन जाती हैं जल्दी से। अच्छा, मेरे आज के काम के बहुत सारे प्लान थे आज के, कि आज मुझे क्या क्या करना है। मुझे बहुत सारे, जैसे विंटर, तो अब आपने ये व्लॉग थोड़ा आपको लेट मिल रहा है, लेकिन विंटर के कपड़े उस दिन निकालने थे जिस दिन ये व्लॉग मैं बना रही थी। और साथ ही मुझे ये था कि छत पर जो है ना कालीन वगैरह धोनी है, यहाँ की दीवारें धोनी है, डीप फ्रीज़र को धोना है। तो इतना ज़्यादा मेरा आज काम था, तो बस खाना जल्दी बनने से ये नहीं होता कि आपके काम जल्दी हो जाए। तो आज मैंने ये तमाम जितनी भी दीवारें थी ना यहाँ पीछे की, ये सब मैंने रगड़ रगड़ के धोई हैं और सारा साफ़ सुथरा करा है, क्योंकि यहाँ भी जो है ना अक्सर हाथ वगैरह लगते हैं ना तो उससे गंदा हो जाता है। और LCD जो है ना वो मुझसे उतर नहीं रही थी और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि उसका पीछे का एक स्टैंड है ना, उसका लॉक पता नहीं क्या हो रहा है तो उसमें अटक गई थी। तो खैर मैंने उसको उतारा नहीं और वैसे ही साफ़ कर दिया, और इसके बाद मैंने इसको खुश कपड़े से साफ़ कर दिया है तो ये बहुत प्यारा साफ सुथरा है। सारा बाहर भी काम हो रहा है, घर में भी काम हो रहा है, ये सारा साफ़ कर लिया मैंने। डीप फ्रीज़र कितना गंदा हो रहा था, अब सारा चमक गया, पूरी पूरी दीवार साफ़ हो गई। बाहर भी दिखाती हूँ मैं कितना हुआ है। ब्रेकर बन गया क्या? तो जी, आप लोगों ने देखा बाहर का स्पीड ब्रेकर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए जो है बाहर जब रोड बनाता ना तो बहुत ज़्यादा स्पीडली गाड़ियाँ जा रही थी, तो पापा ने जब से ही कह दिया था कि स्पीड ब्रेकर जो है ना यहाँ बनेगा। तो खैर आज जो है ना पापा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनवा रहे थे और छत पर ये कालीन धुल रहे थे, जो कि मैंने कहा कि भाई ये कालीन भी हाथ के हाथ धुल जाएँ तो ये साफ़ हो जाएंगे और ये भिज भी जाएंगे तो साफ़ सुथरे अच्छे लगेंगे। और मैं अपना सेंटर भी यहाँ पर साथ धोने के लिए ले आई थी ताकि ये सेंटर जब मैं अपने रूम में बिछाऊँ तो साफ़ सुथरा ही हो, और ये ना आराम से धुल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन ये कि घर पे भी धुल जाते हैं। अगर हम उसको धोने के लिए बाहर कहीं भेजेंगे ना, एक तो वो इतना ज़्यादा केमिकल्स इस पर डाल देते हैं, दूसरा ये कि यानी अच्छा नहीं होता, इसके सारे रुएँ वगैरह झड़ जाते हैं तो इनकी सॉफ्टनेस है ना वो ख़राब हो जाती है। तो फैक्ट्री का लड़का आया हुआ था, उसके साथ मिले ये कालीन और ये सेंटर वगैरह धो लिए थे। हुसैन भी जो है ना मेरे साथ साथ पानी में घुसता रहता है, आपने देखा है कितना तंग करता है हुसैन। हसन जो है ना माशाल्लाह स्कूल से आ गया था और वो सो गया था, तो हसन की तो अपनी एक रूटीन और टाइम बनी हुई है, लेकिन हुसैन माशाल्लाह अभी स्कूल नहीं जाते, तो खैर जब जाएंगे तो इनकी जब सेटिंग बनेगी, वरना इनको पूरा दिन हमें तंगी करना होता है। तो खैर यहाँ मैं अच्छे से इसकी मट्टी वट्टी निकाल रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से जो है ना ये अच्छा लगेगा, साफ़ सुथरा जब ये सूख जाएगा। तो इसे मैं अपने रूम में फुल ऑन थक गई क्योंकि आज सारा जो है ना स्टोर का ना सारे दिखाती हूँ, देख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक के स्टोर की सफाई हुई है और जो है ना क्या कहते हैं इसके अंदर से विंटर के कपड़े निकले हैं और सारे विंटर के कपड़े भी मैंने छत पे पहुँचाए। अभी थोड़ा सा कमरा सिमटा है, वरना आप इसकी हालत देखते हैं ना तो आप कहते हैं कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर, तो ना काट कबाड़ा हो रहा था कि जिसकी कोई हद ना हो, वो मैंने यहाँ लगवा ली है और ये सारा साफ़ सुथरा हो गया। ये यूनिफॉर्म हैंग हुआ हुआ है इस लड़के का और अभी भी सामान देखें वो पड़ा है, और ये बच्चा जो है ना इसने मुझे इतना तंग किया है, बहुत तंग किया है इस बच्चे ने मुझे। तो खैर अब जो है ना मैं बच्चों की मैगी बना रही थी और इसको मैं करती हूँ बंद। विंटर के कपड़े आज मैंने निकाल लिए हैं, ऊपर जाके दिखाऊंगी, बंद गठरी करके भिजवाई है और जी ये कपड़े धो के फैलाए थे। और अभी ना मैंने उस दिन जर्दा बिरयानी जो बनाई थी ना, तो मैंने जर्दा बिरयानी भेजी थी, तो आज उनके यहाँ से ये वाइट पुलाव और ये मज़ेदार से शामी कबाब आए, तो मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि देखो
तुमने भेजा था, तो देखो उनके यहाँ से भी आज आ गया और प्लेट्स भी गई हुई थी। तो खैर ये जो है ना, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो खाएंगे। और ये ऐसा देख रहा है मुझे, क्यों देख रहे हो ऐसे, क्या हुआ है, क्या हुआ है शुनु मुनु डो मेरा गुड्डा पालो शाह। और ये इस लड़के की मैगी बना रही हूँ मैं यहाँ। अच्छा जी, तो अब जो है ना शाम हो गई थी और आपको पता है सर्दियों के दिन है, कितने ही आप जल्दी उठ जाओ लेकिन टाइम पूरा हो जाता है। तो रात को खैर हम लोग खाना खाने के लिए बाहर आ गए थे और ये बाहर जो है ना डेकोरेशन हुई हुई थी। अच्छा एक लम्हे को लगा मुझे ये केक बिल्कुल रियल है, लेकिन ये एक डमी थी और एज अ डेकोरेशन के तौर पर इन्होंने यहाँ पर ये सजाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने डिनर बाहर ही किया था आज पप्पा के साथ, अंबर के साथ, तो बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से। और जी यहाँ बच्चे जो है ना देख रहे हैं आप कैसा झूला वूला झूल रहे हैं, तो जो है बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को खूब बलून्स तो वैसे ही आपको पता है कितने पसंद होते हैं। तो आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है मेरा फुल डे का व्लॉग। मज़ेदार सा डिनर किया हम लोगों ने और साथ ही बच्चों ने किया खूब इंजॉय। तो आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा टफ और बिज़ी गुजरा और बहुत मज़ा भी आया एंड में आके। तो यहाँ हम लोग काफ़ी सारी तस्वीरें वगैरह बना रहे थे। तो जी बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।